करिए, वरना उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सोच है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। लोगों न्याय सुनिश्चित रहे, ये हम लोग चाहते हैं कि ये जो बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई 4 साढ़े 4 साल में इतने निकम्मापन दिखा है इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की, वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता हमारी, तो हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मान लो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव आ गया तो अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दम नहीं उन बातों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने देखी, आप हमने खुद ने कहा है, आरपीएस मेंबर था, एक व्यू बना कि साहब रिटायरमेंट ले ले, इससे बदले उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आरपीएस मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदनामी की बात नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है, सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते हुए अरेस्ट करो। एसओ जी ने अरेस्ट किया उनको, मैसेज गया, एक भय पैदा हुआ लोगों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष हमें सुझाव देते थे और आप ये कर सकते हो, हम कर देंगे। खाली आप अनर्गल भ्रमित करो पब्लिक को, और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे, जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी, कानून का राज स्थापित रहना चाहिए बस। ये मैंने जरूर कहा था मीडिया वालों को कि ये जो ऊपर के दबाव के साथ में जिस प्रकार से ये जो जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव देते हैं, आपको लिस्ट दे दी गई है, चुनाव आ रहे हैं इस राज्य में, छान छान के देखो कहाँ कहाँ घुस सकते हो आप लोग, ये गलत है। देखिए, बाकी ईडी है, प्रीमियर एजेंसी है देश की, सीबीआई है, या इनकम टैक्स है, या एनआईए है, भारत सरकार की बनाई हुई है, ये अगर निष्पक्ष होकर काम करे, हम स्वागत करेंगे। हम तो चाहेंगे आप जेल में भेजो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो, जहाँ गलती करे उसको बख्शो मत, पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप पूरे देश के अंदर, पूरा देश चिंतित है, इस बात को मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, संजीवनी घोटाले वाली बात आती है, तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है, खुर्द बुर्द नहीं करें, उसके पहले आप जो है इनको आप अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनके बेचारे पैसा डूब गया है, उनको पैसा वापस मिले, आधा मिले, कुछ तो मिले। अभी मैं बाढ़ में गया था तो लोगों ने आके मेरे को यही बात करी, साहब क्या करें, पैसा कब दिलवाएंगे। तो पैसा कोई लाखों में होता तो मैं कोई व्यवस्था करता, इसकी मना की, करोड़ों के अंदर है, भारत सरकार की एजेंसी ईडी है, उसके पास पावर है, पेपर लीक के मामले में जांच करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको इसमें घुसो, और हम रिक्वेस्ट करें उनको, पिछले साल भर से 4-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एसओ जी रिक्वेस्ट कर चुकी है, आ नहीं रहे वो लोग। जमीन संबंधित मामले बहुत हैं जयपुर के अंदर, बहुत बदनामी होती है, और जमीन माफिया भी है, ये सोसाइटी वाले बेईमानी करते हैं, एक एक प्लॉट 2-3 बार बेच देते हैं लोगों को, बेचारा कोई जेनुअन आदमी किसने खरीदा पता नहीं लगता है। उसके लिए मैंने कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, अब हमने कहा इसके फॉलोअप करने के लिए एक वापस कमेटी बनेगी, कल तक बन जाएगी कमेटी, वो जो रिकमेंडेशन आई कमेटी की, उसको फॉलोअप करके कैसे राहत दिलाएं लोगों को जिनके पैसे डूब रहे हैं, जो जेनुअन लोग हैं बेचारे, प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, ये सुनिश्चित करने का काम वो कमेटी करेगी, जिससे कि बेईमानी नहीं हो सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। कमेटी ने क्या कहा, क्या कहा कमेटी ने? रिकमेंडेशन आई है ना, वो आपके सामने आ जाएगी, और साथ में नई कमेटी भी आ जाएगी, ठीक है।
शराब जो लगातार बिकती है उसको काफी, क्या पूरे राजस्थान के अंदर शराब बिकती 8 बजे बाद भी शराब जो बिकती है, अब उससे खासा नाराज है। और आपने कहा था कि उसे एक्शन करूंगा संबंधित अधिकारियों के ऊपर, शुरू हो गया है तो मैं आज वापस रिपीट कर दूंगा और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप ठीक कह रहे हो, समय के साथ साथ में ह्यूमन टेंडेंसी होती है। मैंने कहा था कि जो संबंधित थाना है उस पर कार्रवाई होगी। भय पैदा हुआ, रुका भी था, फीडबैक भी अच्छा आया। अब धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, दो एसएचओ को सस्पेंड भी किया हम लोगों ने। वापिस मैं दोहराना चाहूँगा कि 8 बजे के बाद में शराब नहीं बिके, वरना संबंधित थाने के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 2 थानेदार को सस्पेंड किया हमने, आगे भी नहीं बख्शेंगे। और शराब के जो दुकानदार हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप कृपा करो राजस्थान पर, प्रदेशवासियों पर। गरीब आदमी रात को आता शराब लेकर के, तकलीफ होती है, परिवार वालों को तकलीफ होती है। 8 बजे पहले आप भेज के अपना काम बंद, दुकान बंद करो, ठीक है? धन्यवाद। उसकी चर्चा भी हो गई अभी डीजी साहब से, सीएस से, उनकी हमें जो उन्होंने रखा है सजा उस पर हम ध्यान देंगे। और भी मैं कहना चाहूँगा, कर्मचारियों का हमने अधिकांश उनके फैसले किए हैं, तब भी मैं जहाँ दौरे में जाता हूँ मुझे कर्मचारी बंधु मिलते हैं। छोटी बड़ी समस्या उनकी बनी रहती है, नौकरी लगने की या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई लगने में, या कोई सर्विस में है उनको प्रमोशन के मामले हैं, या कोई और मुझे डिमांड्स है, उनके लिए मैंने विशेष सीएस को कहा है कि आप जितने ऐसे मुद्दे बच गए हैं उनको लिस्टेड कर लो आप। उनको हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे उनको हल करें, ये हमारा प्रयास है वो भी, ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।